सो हेलो ऑल ऑफ यू। आप ने बिल्कुल सही पढ़ाया थंबनेल पे कि भैया कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि भैया ना जाने का सवाल कहाँ से आया। आप तो हमेशा बोलते थे कि जेई और नीट के लिए कोटा बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, लेकिन कुछ कारण के कारण मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि अब वहां जाना नहीं भी जाके हम अच्छी रैंक या सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते, कैसे ले सकते, वो मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि अरे अमित भैया आप हमें कौन होते हो बताने वाले कि भैया हमें कोटा जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मैं कौन होता हूँ, मैं भी वहां पर लाखों करोड़ों छात्रों की तरह मैंने भी वहां स्ट्रगल किया है, तैयारी की है, 1 या 2 साल नहीं बल्कि 3 साल मैं वहां रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के कारण मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को सही डायरेक्शन बता सकता हूँ कि क्या सही है। ठीक है ना, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला कि भाई हम कोटा में क्यों जाते हैं, तो देखो पॉइंट ये है कि वहां पे जो फैकल्टीज है, सबसे पहला पॉइंट है कि वहां IITians फैकल्टीज है, या नीट के लिए जाओ तो वहां अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी पढ़ाते हैं, मतलब फैकल्टीज वहां की नंबर वन है। ठीक है ना, लेकिन आज आप देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने के बाद ऑनलाइन भी आपको या आपके होम टाउन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, उनके ब्रांचेस आ चुके हैं आपके होम टाउन में ही, जहां पे कोटा के लेवल की आपको फैकल्टीज मिल जाएंगे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप मतलब ठीक ठाक शहर से भी हो, एकदम गांव से हो, तो शायद वहां कोचिंग आपको ना मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि कोटा का स्टडी मटेरियल किसी भी बुक से, जेई की प्रिपरेशन वाली बुक से अच्छा होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आज के डेट में कोटा जाके ही कोटा का स्टडी मटेरियल मिल रहा है ऐसा तो है नहीं। आप तो घर बैठे भी वहां से मंगवा सकते हो, या जो आपके होम टाउन में कोचिंग्स है वो भी तो आपको वहां का मटेरियल दे सकते हैं। ये सब पॉइंट्स तो ठीक है। तीसरा पॉइंट कि आखिर जो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला वीडियो बनाने का मकसद, जेई मेन का जो 4 अटेम्प्ट हो गया है, आपको याद होगा 2018 तक जेई मेन एक बार ही होता था, 1920 में जेई 2 बार हुआ है और इस बार से 4 बार होगा। आपको पता होगा कि जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो कितना डाउन हो गया है। कोटा जाने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि वहां अच्छे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते थे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लेकिन आज के डेट में देखो जेई मेन 4 बार हो गया है, क्वेश्चन लेवल बिल्कुल ही डाउन हो चुका है। बस यहाँ पर परसेंटाइल से मतलब है कि भैया किसी तरह इसी मतलब पेपर जैसा मर्जी करना है वैसा कर दो, और जो टॉप के बच्चे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उनको उठा लेंगे, पेपर से मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि अब जो बच्चे कोटा जाके इतनी मेहनत करके जेई और नीट की तैयारी करते थे, अब घर से भी जो बोर्ड पे फोकस रहते थे बच्चे, सिर्फ बोर्ड पे फोकस रहते थे, वो भी जेई मेन का पेपर अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि अब लेवल पहले वाला नहीं रहा। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिस्ट्री में, मैथ और फिजिक्स में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने उन्हें बनाने पड़ रहे हैं कि लेवल बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट सिमिलर आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 1 साल में मात्र 90 क्वेश्चन बनाने होते थे, तो वो लोग अच्छे क्वेश्चंस बनाते थे, 4 से 5 ही ईजी रहते थे, बाकी सब अच्छे रहते थे। आपको याद होगा 2018 का कट ऑफ कितना डाउन हो गया था, पेपर इतना टफ 74 गई थी जनरल की खत्म, और आज के डेट में आप देखो कि क्वेश्चन लेवल बिल्कुल ही डाउन हो गया। जो नॉर्मल बोर्ड की भी तैयारी कर रहा है वो भी जेईई मेन में अच्छा कर सकता है अगर उसकी प्रैक्टिस हो तो। यहां तक ये बात की जाए बोर्ड के क्वेश्चंस और जेईई मेन के क्वेश्चंस में इन्होंने कोई अंतर ही नहीं, कोई गैप ही नहीं छोड़ा है, अब ज्यादा गैप नहीं है। यही है कि वहां टाइम लिमिट रहता है, क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, लेकिन लेवल अब उतना नहीं रहता है। 40 से 50 इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इजी बोलना गलत होगा, लेकिन पहले के कंपेयर में इजी आते हैं ये मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर जेई एडवांस की बात की जाए तो अगर आप जेई एडवांस आपका टारगेट है, वो IITian आपको बनना है, अच्छी रैंक लानी है top 10,000 के अंदर में, तब तो आपको कोटा जाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि वहां पर क्या होता था कि बच्चों को खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी, हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी थी, लोकल पीपल डिस्टर्ब नहीं करते थे। यार तो हम घर पे भी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है, हॉस्टल से अच्छा तो होता है अपना घर, तो हम घर पे क्यों नहीं रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी रुके रहे, अभी वीडियो में बने रहे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्पेशली आपको वहां ही मिलेगा। जैसे अगला पॉइंट, माहौल, इतना शांत माहौल है, पढ़ाई का पूरा वहां का माहौल है, लेकिन आप किसी भी होम किसी भी शहर में होंगे उतना शांत माहौल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी शहर में नहीं मिलेगा। हाँ, गांव में मिल जाएगा, गांव में माहौल शांत होता है, लेकिन वहां पे फिर वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाएगी, वो फैकल्टीज, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल पाएंगे। ये पॉइंट्स है जो वहां ही आपको जाके मिलेगा। अगला पॉइंट भी जो है वो वहां पर ही आपको हो पाएगा, जो फ्रेंड सर्किल है, हम
एक शहर में रह रहे, तो जब 8 9 10 तक क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल, मोहल्ले के दोस्त अलग, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 9 10 में थे वो अलग, फिर स्कूल के दोस्त अलग। लेकिन आपको अगर उस शहर से उठा के कोटा में जाके पटक दिया जाए तो वहां पर तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। वहां आप अकेले रहोगे, वहां आप नए रहोगे, हो सकता है एक आध दोस्त आपके साथ जाए भी, लेकिन फिर भी बहुत कम हो जाता है फ्रेंड सर्किल। तो फोकस आपको जेई क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा, फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस। वहाँ रिलेटिव्स नहीं है, वहाँ नेबर्स का झंझट नहीं है, वहाँ फ्रेंड सर्किल नहीं है, वहाँ डिस्टर्बेंस का कोई माहौल ही नहीं है कि कोई आपको डिस्टर्ब करे। तो ये सारी चीजें तो आपको वहां पर ही मिल सकती है। तो अब आपको सोचना है कि ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, क्या वो आप घर पे रह के भी उन सारे पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, खासकर अगर जो NITs के लिए फोकस्ड है, ठीक है ना, जो एडवांस के लिए फोकस्ड है वो उन्हें जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स पे आपको वो करना है कि आप इन सारे पॉइंट्स में से क्या क्या आपके फेवर में है जब आप अपने ही घर पे रहते हो, अपने होम टाउन में रहते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।